एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2023 की अगर हम बात करें तो आपका जो टारगेट है इस बार 450 नंबर होना चाहिए, लेकिन हम ये नंबर कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, क्या की पॉइंट्स को ध्यान रखें, प्रिपरेशन में क्या क्या बात ध्यान रखें कि हमारे जो है यहाँ पर 21 मई को जो पेपर होने वाला है उसमें 400 या 450 नंबर आ जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है। अगर आप यहाँ पर पीटीटी का फॉर्म लगा चुके हैं या बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण होने वाली है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पीटीटी 2023 की अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम हो उसको देने से पहले आपके दिमाग में उसका जो है एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना, उसका सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए और आपको ये पता होगा कि इसका सिलेबस क्या है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, वो आपके दिमाग में होगा। क्योंकि मैं इतनी वीडियो बना चुका हूं कि आपको याद ही हो गया होगा कि भैया इसमें जो है 600 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता ही नहीं है और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। अब यहां पर 200 क्वेश्चन के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 50 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के हैं जिसमें हिंदी भी होती है और इंग्लिश भी होती है, आपको चूज करना होता है। अगर आप हिंदी करना चाहे तो हिंदी कर सकते हैं और इंग्लिश करना चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं, ठीक है ना। तो टोटल यहां पर जो है 200 क्वेश्चन और इसके अलावा 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि के भी होते हैं, तो यहां पर 200 क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर जो है आपका 3 नंबर का होता है, यानी यहां पर 600 नंबर का आपका पेपर रहता है। 600 में से 450 स्कोर करना पड़ेगा तभी जाते आपको टॉप कॉलेज, मनपसंद कॉलेज, फर्स्ट चॉइस आपको मिल जाएगी, घर के पास में कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो यहां पर जो है एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस को समझो, जब वो समझ जाओगे तो उसके बाद में आपको पता लगेगा कि दो सब्जेक्ट ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। एक तो है आपका रीजनिंग, दोस्तों कौन सी सब्जेक्ट है, रीजनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आपने पढ़ा है, मेहनत करी है, तो आप 100% भी मार्क्स ला सकते हो, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको हम बोल सकते हैं। एक आपकी जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हिंदी व्याकरण, इसमें भी आप पूरे में से पूरे सही कर सकते हो अगर इसके रूल आपको याद हो जाए, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो। तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि रीजनिंग के 50 में से 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा हिंदी में भी आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग देखो, आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 4 वर्ष वाले जो 12वीं पास करके आ रहे हैं, या जो ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जैसे बीएससी वाले होते हैं ना, वो तो बीएससी में लगे रहते हैं, फर्स्ट ईयर में बीएससी, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में, तो रीजनिंग इतना पढ़ते नहीं है। तो आपके लिए नई सब्जेक्ट है लेकिन आसान है, अगर आप एक दो बार भी उसको देखते हो, समझते हो, पढ़ते हो तो वो आपको आ जाएगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत याद रखने की जरूरत है, जैसे कि कैलेंडर हो गया, क्लोक हो गया, है ना, आपका घन घनाभ वाला जो चैप्टर है, आपका क्यूबॉइड वाला, क्यूब वाला जो चैप्टर है, कुछ ऐसे चैप्टर है जिनको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, बाकी तो आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है ना। तो यहां पर रीजनिंग को फोकस करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया ना, एक बार आपने पूरा सिलेबस देख लिया इसका, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी में भी सारे टॉपिक वही होते हैं आपके, संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है ना, आपके जो है वाच्य हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, ये ऐसी चीजें हैं हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ इनको पॉलिश करना है और इनके जो एग्जांपल्स हैं, इनके जो उदाहरण हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। यहां पर भी हिंदी में भी आप स्मार्ट वर्क करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो कोशिश करो कि यहां आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाएं, ये कोशिश आपको करनी है, ये टारगेट है आपका, ये टारगेट होना चाहिए कि यहां पर 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब आपकी बाकी के दो सब्जेक्ट है, एक तो आपका यहां पर हो जाएगा जीके, जीके में आपका कौन सा ज्यादा पोर्शन आता है, इसको लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि जीके में आप किस पर ज्यादा फोकस करें। तो एक तो करंट अफेयर, ठीक है ना, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर, करंट अफेयर में भी जो आपके पुरस्कार हैं या आपके अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके जो यहाँ पर अवार्ड हैं, इसके अलावा आपके यहाँ पर जो खेल वाला जो पूरा सिस्टम है जिसमें खेल से संबंधित सवाल बनते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित सवाल बनते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर को आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा इंडिया जीके, इंडिया जीके के सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इंडिया जीके में आपका ज्योग्राफी आ गया, हिस्ट्री आ गया, पॉलिटी आ गया, कुछ आपके पंचवर्षीय योजना है, जीएसटी संबंधी सवाल भी बनते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके जो है 6 से 7 क्वेश्चन साइंस के भी यहाँ पर आते हैं, तो साइंस को भी आपको देख के जाना है। अब राजस्थान जीके कम आती है, राजस्थान जीके आती तो है लेकिन जैसे मतलब कि यहाँ पर 15 क्वेश्चन ही बनेंगे, 15 भी मैं ज़्यादा बोल दिया, 10 क्वेश्चन के आसपास ही राजस्थान जीके के बनते हैं। तो अगर आप राजस्थान जीके को स्किप भी करते हो ना और इनको भी आप पढ़ लेते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। जीके में आराम से 30 से 35 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो अगर आप इनको अच्छे से कर लो, साइंस को, करंट अफेयर को, इंडिया जीके को। राजस्थान जीके को छोड़ते भी हो, क्योंकि राजस्थान जीके फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन राजस्थान जीके को छोड़ना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो जीके की बात हो गई, अब है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों, जो आपका शिक्षण अभिरुचि है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए नया है,
ठीक है ना, चाहे 12वीं पास करके विद्यार्थी 4 वर्षीय इंटरग्रेटेड दे रहा है या आपके जो है फाइनल ईयर का विद्यार्थी जो 2 वर्ष का बीएड दे रहा है, सबके लिए नया सब्जेक्ट है। इसमें देखो खुद को टीचर मानना पड़ता है। ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि खुद को अपना मान, जैसे हम मैथ में नहीं करते सपोज ये होगा ऐसे मानकर, जो 0 मानकर x मानकर जो है यहाँ पर निकालते हैं, उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपको खुद को यहाँ पर टीचर मानना होगा, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो उसी से संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे, आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है और इसको साइकोलॉजी बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर खुद को शिक्षक मानकर पॉजिटिव वे में आपको आंसर करने होंगे, तब जाके आपके आंसर सही होंगे। अब इसमें एक खास बात क्या है कि अगर एक सवाल आपका 3 नंबर का है तो अगर आप परफेक्ट ऑप्शन करते हो तो आपको 3 अंक मिलेंगे, अगर परफेक्ट ऑप्शन नहीं सही किया आपने, थोड़ा कम सही किया जो रिलेटेड है तो आपको 2 अंक मिलेंगे, उससे भी थोड़ा कम सही किया तो आपको 1 अंक मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पर अंक तो मिलना तय है। अब कोई बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाए और ऐसे ही एबे सैदे क्लिक कर दे तो भैया उसका तो गलत हो जाएगा, नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर तो आपको प्रत्येक सवाल में मिल ही जाएंगे, तो इसमें तो स्कोर आपका वैसे बढ़िया हो जाता है। अब जो है दोस्तों आपको टेंशन लेनी नहीं है, ये जो मैंने बात बोली है ना कि आप रीजनिंग में कोशिश कर लो 100% ले आओ, हिंदी में ये कर लो, इंग्लिश में ये कर लो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है हमारा जो कोर्स हमने डिजाइन किया है जो 399 का है उसको परचेज करना है, क्योंकि हम आपको जो मैं मेहनत बता रहा हूँ करने के लिए वो मैंने कर ली पूरी मेहनत, आपको तो सिर्फ वीडियोज को देखना है, क्लास को लेना है, इतना काम करना है, बाकी सारी मेहनत कर ली मैंने। 10 साल के जो पेपर हैं उनको अच्छे से एनालिसिस कर लिया, उसी के आधार पर आपकी क्लास बनाई जा रही है, रीजनिंग में उसी के आधार पर पढ़ाया जा रहा है, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उसके आधार पर, हिंदी में भी वही पढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आपको वही पढ़ाया जा रहा है। तो अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में आपका जो कोर्स है पूरे राजस्थान में एकमात्र ऐसा ऐप है जनरल क्लासेस जिसमें आपका पीटीटी का कोर्स जो है ओनली पीटीटी डेडिकेटेड कोर्स हमने बनाया है जो आपके लिए है, 450 या 500 नंबर भी ला सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो, ठीक है ना। तो हमने जितने भी लेक्चर अपलोड कर दिए हैं उनको आप लोग देखिए और 25 अप्रैल तक आपका पूरा कोर्स भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो आज आपको क्या करना है, अगर आप बीएड करने का सपना देख रहे हैं, घर के पास में कॉलेज चाहते हैं, मनपसंद कॉलेज चाहते हैं, तो जेन्युइन क्लासेस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना, और उसके बाद में रजिस्टर कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद में स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है और वहां पर क्लिक करने के बाद में आपको कोर्स दिखाई देगा जो मात्र 399 रुपए का है, उसको बाय कर लेंगे और UPI फोन पे पेटीएम किसी से पेटीएम आप लोग जो है पेमेंट यहां पर कर देंगे। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान ऐप है, चलाना बहुत आसान है, ईजिली आपको कॉन्टेंट में जाके सारा आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी क्लासेस वगैरह है, वीडियो है, PDF है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी मेहनत करनी है वो मैंने कर ली है, बस आपको लेक्चर देखने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव क्लास लेनी है, इतना तो कर लोगे, इतना आपको करना है। अगर इतना भी आप लोग पढ़ गए 21 मई से पहले पहले 20 मई तक इतनी मेहनत मेरे साथ में आपने कर ली तो आपके 450 या 500 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी आप जो है यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। ऐप का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अब आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनको कुछ डाउट होगा, ऐप के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अब आप कितना सोचते हैं अपने लिए वो मुझे पता तब लगेगा जब आप कोर्स को परचेज करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।